किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारी YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। प्याज में कंद का आकार कैसे बढ़ाए, प्याज की बढ़वार कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों, जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद प्याज में अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है, प्याज में पौधे का सही तरह से विकास नहीं होता है, प्याज की बढ़वार पे रुक जाती है, प्याज में पीलापन भी आ जाता है और कंद का आकार भी बिल्कुल ही छोटा रहता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे, अगर आप इस खाद का उपयोग सही समय पर करते हो तो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा, पौधे का सही तरह से विकास भी होगा और कंद का आकार भी मोटा होगा व चमकदार होगा। किसान भाइयों, इसका उपयोग आपको कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। किसान भाइयों, इस साल प्याज की खेती बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि किसान भाइयों कई क्षेत्रों में प्याज की बुआई अगेती देखने को मिली है और कई क्षेत्रों में प्याज की बुआई पचेती देखने को मिली है। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद प्याज में पीलापन आना शुरू हो जाता है, जो प्याज की ऊपर की चोटियां होती हैं वह धीरे धीरे सूखने लगती हैं, इसके कारण प्याज की यानी कि पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, प्याज में पीलापन आने के कारण कंद का आकार भी छोटा रहता है, पौधे की जड़ें भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं और पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है। इनमें से किसान भाई कई प्रकार के स्प्रे भी करते हैं और सही खाद का उपयोग ना होने के कारण प्याज की ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती है और प्याज में पीलापन भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे, अगर आप इस खाद का उपयोग सही समय पर करते हो तो आप प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, इसका उपयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, बात करें जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद आप यूरिया का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों पौधे में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पौधे में पीलापन आना शुरू हो जाता है और पौधे की ग्रोथ भी बिल्कुल ही रुक जाती है। तो किसान भाइयों, जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद आप यूरिया का उपयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, इसका उपयोग आपको 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करना है। किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप सागरिका का उपयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, सागरिका में भी कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। किसान भाइयों, इससे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है, कंद का आकार भी मोटा होता है, चमकदार होता है और पौधे का सही तरह से विकास भी होता है, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहती हैं, ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, नई नई जड़ों का विकास भी होता है। किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का उपयोग करना है। किसान भाइयों, जब प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद अगर आप इन दो खादों का उपयोग सही समय पर करते हो तो आपकी प्याज के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।